अस्सलाम वालेकुम मेरे हम पेशा साथियों। दोस्तों आज हम ई पाठशाला स्कैनर इंस्टॉलेशन और निष्ठा सरगर्मियों को ऑनलाइन सबमिट कैसे करें, इसके ताल्लुक से कुछ जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि निष्ठा ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी सरगर्मियां इस तरह से आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे क्या है एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उन तमाम को हम क्या है दूसरे वेबसाइट निष्ठा एक्टिविटी ब्लॉग स्पॉट नामी एक वेबसाइट पे किस तरह से हम शेयर करेंगे, इसको हम सीखेंगे। दोस्तों इस तरह से सरगर्मियां आपके सामने आएंगे, आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें क्या है एक URL यहाँ पे मौजूद है निष्ठा एक्टिविटी का, उसको हम कॉपी पेस्ट करके, यहाँ पे तो कॉपी नहीं हो सकता मोबाइल से, हम इसको लिख लेंगे, इसको क्या है बोले तो कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, या तो उसका मुतबादल तरीका है यहाँ पे PDF फाइल जो होता है उसको डाउनलोड करके उसका URL कॉपी कर सकते हैं, तो ये दूसरा तरीका है। इसका जो मुतबादल तीसरा तरीका है पाठशाला QR कोड स्कैनर, यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ई पाठशाला एक सरकारी एक ऐप है, इस ऐप को किस तरह से इंस्टॉल करना है ये आने वाली इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो मौजूद QR कोड है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके मोबाइल से जो स्क्रीनशॉट लेने का जो तरीका है उसके ज़रिए से आपका इसका एक स्क्रीनशॉट यानी इस फ़ोटो को आप खींच लें और इसको आप स्कैन करना होगा। तो ई पाठशाला स्कैनर एक डाउनलोड करना बाकी है, तो उसके ज़रिए से आप जब ओपन करेंगे तो ये इमेज आपके सामने नज़र आएगा और ये जो URL है वो आसानी से ओपन होगा, और इस तरह से ब्लॉग स्पॉट निष्ठा एक्टिविटी का ब्लॉग स्पॉट ओपन होगा और आपके तासुरात को आप इसमें आपके कमेंट्स को अपने तासुरात को इसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या है निष्ठा ट्रेनिंग का मुकम्मल कम्प्लीशन इस तरह से हम कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले हमारे प्ले स्टोर ऐप के ज़रिए से ई पाठशाला स्कैनर टाइप करने के बाद आपको इस टाइप करके ई पाठशाला स्कैनर को आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ई पाठशाला स्कैनर का जो इमेज मौजूद है वो आप देख लीजिए और इसको आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल। तो इस तरह से इंस्टॉल होने के बाद आप ई पाठशाला स्कैनर को ओपन कीजिए। तो यहाँ पे जो ई पाठशाला का है टेक पिक्चर्स का जो परमिशन होता है उसे अलाउ कीजिए और ई पाठशाला इस तरह से ओपन होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे ई पाठशाला का स्कैनर ओपन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे एक इमेज है छोटा इमेज एक आइकॉन है उस पर आप क्लिक करें, चूँकि ऑलरेडी आप स्क्रीनशॉट QR कोड का ले चुके हैं तो उसमें मौजूद आपका स्क्रीनशॉट है तो उसको आप सेलेक्ट करें। तो ये आपका स्क्रीनशॉट है QR कोड का, उसको आप सेलेक्ट करें। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो निष्ठा एक्टिविटीज़ ब्लॉग स्पॉट का यहाँ पे लिंक यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसके नीचे ही आपके सामने यहाँ पे वेब लिंक जो मौजूद है, देखिए निष्ठा एक्टिविटीज़ ब्लॉग स्पॉट है तो वेब लिंक है, इसको आप ओपन कीजिए। तो ओपन विथ क्रोम ब्राउज़र या तो दूसरे ब्राउज़र से आप ओपन कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट निष्ठा एक्टिविटी का ब्लॉग स्पॉट यहाँ पे मौजूद है, तो आपका एक सरगर्मी जो है उस सरगर्मी को यहाँ पे बताया गया है, उस सरगर्मी को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इसके ताल्लुक से अपने तासुरात को नीचे गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये सरगर्मी है, इसको आप पढ़ लेने के बाद ये जहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं ये तमाम कमेंट्स हैं ऑलरेडी नेशनल वाइड, तमाम लोग जो ऑलरेडी कर चुके हैं ये कमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, तो इसी तरह से आपका भी कमेंट यहाँ पे अपलोड हो सकता है। तो उसको आप सिर्फ करना ये है, तो एंटर योर कमेंट नामी आपका एक यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, तो उस कमेंट बॉक्स में आप इस सरगर्मी के ताल्लुक से जितने भी कमेंट्स हैं अपने तासुरात हैं वो तासुरात को यहाँ पे टाइप करें, चाहे वो तासुरात उर्दू में हो या तो दूसरे लैंग्वेजेस में भी आप टाइप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से आप टाइप करने के बाद, मैं यहाँ पे उर्दू में टाइप कर रहा हूँ,
दोस्तों यहाँ पे मेरा जो तासुरात के जो अल्फाज हैं यहाँ पे मैं टाइप कर चुका हूँ। तो रही बात यहाँ पे नोटिफाई मी है और इसको पब्लिश करना है, दो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। चाहे तो ये नोटिफाई आपको सिर्फ इस ऑप्शनल है, चाहे नोटिफाई कर सकते हैं या तो डायरेक्ट आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नोटिफाई मी यहाँ पे मैं अनचेक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मौजूद पब्लिश जो बटन है इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से हम क्लिक करने से जो हमारा ये QR कोड का जो सरगर्मी का एक्टिविटी है यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। इस तरह से दोस्तों आप भी क्या है अपने तासुरात को 100% आप क्या है अपने निष्ठा एक्टिविटी में आप हिस्सा ले सकते हैं। एक आसान तरीका है, इट्स बेटर टू डाउनलोड योर ई QR कोड स्कैनर। तो देखिए यहाँ पे आपका एक कमेंट भी आ चुका है, निष्ठा एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे यहाँ पे सरगर्मियाँ हैं उनके और रिप्लाइज भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।